पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वो कोरोना काल में कामगारों के पलायन का मुद्दा तो उठा रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार में कोरोना में पलायन हुआ था वो उसे भूल गए। हमने तो पलायन वाले 45 लाख कामगारों को काम दिया है। अखिलेश यादव के यूपी से बुलडोजर और सांड हटाने वाले बयान पर सिद्धार्थनाथ ने कहा कि इसका मतलब हुआ कि फिर से यूपी में गुंडाराज और माफियागिरी आ जाएगी, जैसे सपा शासनकाल में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान थे, वो लोग फिर वापस आ जाएंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि उनका सपना है कि वो आएंगे तो गुंडाराज वापस आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में टेट परीक्षा के सवाल पर अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि अखिलेश यादव भूल जाते हैं कि आपके यहाँ तो ये इंडस्ट्री चल रही थी, उस इंडस्ट्री के जितने तार हैं एक के बाद एक हम खींचते जा रहे हैं, और आपकी क्या नीति होती थी, दोषी को पकड़ा नहीं जाता था, उसको पकड़ने का काम नहीं करते थे, बल्कि षड्यंत्र करके पेपर को लीक करने का काम करते थे, जिससे कि मुनाफा भी हो और आपके लोग भी एडजस्ट हो जाएं, जो लोक सेवा आयोग के माध्यम से या दूसरे माध्यम से वहां पर एग्जाम होता है। लेकिन इसमें हमारी नीति बिल्कुल अलग है। योगी जी की नीति है कि जो गलत हो रहा है उसे मानेंगे भी और स्वीकार भी करेंगे, लेकिन जो मेरिट है उसे दरकिनार नहीं करेंगे। अखिलेश जी भूल जाते हैं कि आपके यहाँ तो ये इंडस्ट्री चल रही थी, उस इंडस्ट्री के जितने तार हैं हम एक के बाद एक खींचते जा रहे हैं, और आपकी क्या नीति होती थी टेट के एग्जाम में कि कोई पकड़ा नहीं, उसको पकड़ने का काम नहीं करते थे आप, षड्यंत्र और संयोजित तरीके से आप पेपर को लीक और उसके अंदर पूरा का पूरा कार्य करते थे, जिससे कि मुनाफा भी हो और आपके लोग एडजस्ट भी हो जाएं, जो लोक सेवा आयोग के माध्यम से या दूसरे माध्यम से होता है वहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं। हमारी नीति क्या है योगी जी की कि कहीं गलत हुआ है स्वीकार करेंगे, लेकिन जो मेरिट है उसको दरकिनार नहीं करेंगे। तो हम मेरिट को भी ध्यान के देखते हैं और जो नीति है और नियत उसको भी साफ रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ जनता, बुंदेलखंड की जनता जो है गरीब है, नौकरी देने के बजाय छीनने का काम किया है भाजपा ने, क्या कहेंगे? वो तो अखिलेश जी को जवाब देना चाहिए। जिस प्रकार से वहाँ पे उनके राज्यों में होता है उसी उन घटनाओं की अनदेखी कर देती हैं, चाहे वो दलितों के ऊपर हो, चाहे किसानों के ऊपर हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला अभी हाल में ही हुआ, कुचले गए बुजुर्ग, कुचले गए महिलाएं, कुचले गई क्योंकि वो क्रय सेंटर में अपने धान बेचने गई थी, उसके टोकन के ऊपर हुआ, उनको अनदेखी वो देखती नहीं है, चाहे राजस्थान का विषय हो, तो वहाँ पे तो वो पर्यटन करने, पॉलिटिकल टूरिज्म करने जाते नहीं हैं, मगर यहाँ पे जो दिखता है उसमें कभी उनकी सच्चाई भी कहीं कहीं धूमिल हो जाती है। मंत्री जी, 2022 के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर भाजपा जा रही है? भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा पहला विकास, दूसरा विकास, तीसरा विकास, और जितने उसके बाद मुद्दे होंगे सब विकास है। सर, अखिलेश यादव को यह भी बयान आया, ये बीजेपी सरकार दमदार सरकार नहीं है, सिर्फ गरीबों पर दम दिखाने वाली सरकार है। तो अखिलेश जी जो दमदार हैं वो गुंडों के बल में जितना आपने दम दिखाना था वो आप दिखा चुके हैं। आज जो गरीबों को, चाहे वो उनको पट्टे हो, गरीबों को, उन लोग को जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जिनको गरीबों को शौचालय हो, गरीबों को राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, गरीबों को वैक्सीन कोरोना की मुफ्त में दी जा रही है, गरीबों को आयुष्मान भारत के तहत योजना में उनको स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है, और मनरेगा के तहत गरीबों को सबसे अधिक पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा काम दिया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है। तो ये खुद ही बता दें कि आप गरीबों पे, उन पे बुलडोज़र आप चला रहे थे, या आपके जो लुटेरे हैं उन पे हम बुलडोजर चला रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, उन्होंने फूलन देवी को लेकर भाजपा को घेरा है, उन्होंने कहा है कि निषाद समाज का वो अपमान कर रहे हैं भाजपा, क्योंकि फूलन देवी को डकैत बताया जा रहा है। ऐसा है, जो अखिलेश यादव जी हैं बहुत नाराज हैं, वो दुखी इसलिए हैं क्योंकि निषाद पार्टी
उनके मंच से लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन 2019 में करवा दिया। उन्होंने अभी भी बड़े प्रयास कर रहे हैं, डोरे डालने के हैं, मगर उसमें भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और साथ ही साथ निषादों से भी नाराज हैं। मगर निषादों के ऊपर, उनके ऊपर किस प्रकार से अत्याचार हो, उनका उत्पीड़न हो, ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा रह चुका है, जिस कारण निषाद समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।